दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप लोग के लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यू राशन कार्ड लिस्ट जारी कर दी गई है। अगर आप इस लिस्ट में अपना नाम या फिर अपने परिवार के किसी भी सदस्य का नाम चेक करना चाहते हैं तो आप सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आज हम इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि किस तरीके से आप अपना नाम या फिर अपने परिवार के किसी भी सदस्य का नाम आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस राशन कार्ड लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यूपी राशन कार्ड लिस्ट में नाम चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम ब्राउजर में राशन कार्ड यूपी लिख के सर्च करेंगे इस प्रकार से। तो जैसे आप लोग सर्च करेंगे, उसके नीचे में आप देख पाएंगे आपको एक वेबसाइट नज़र आएगा, fcs.up.gov.in। तो आपको इस वेबसाइट में आपको इंटर करना है। तो जैसे ही आप लोग इसके ऊपर में आप लोग क्लिक करते हैं तो इसका जो ऑफिशियल पेज है यहाँ पर आप देख पाएंगे यूपी सरकार का, ये यहाँ पर खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको करना क्या है, नीचे पर आएंगे और नीचे में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा NFSA की पात्रता सूची, तो इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग इसके ऊपर में क्लिक करते हैं, इसका जो अगला पेज यहाँ पर कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में आपको ज़िले का नाम दिखाई देगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो भी ज़िला है तो यहाँ पर आपको अपने ज़िले को सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ से एक ज़िले को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैं आगरा को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ यहाँ पर। तो आपका जो भी ज़िला है, आपका ज़िले के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग अपने ज़िले के ऊपर में क्लिक कर, अगला जो पेज है दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे दोस्तों, आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कि दोस्तों ऊपर में ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको नगरीय क्षेत्र, यानी कि दोस्तों आप अगर टाउन से हैं तो यहाँ पर आपको अपने टाउन का जितने भी एरिया है यहाँ पर आपको दिखाई देगा इस जगह में। अगर आप टाउन से बिलोंग करते हैं तो यहाँ से आप अपना टाउन को यहाँ पर खोज लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना जो भी टाउन है यहाँ पर खोज लेंगे। इसके बाद दोस्तों आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, तो नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं यहाँ पर, तो आपको इस ग्रामीण क्षेत्र के नीचे में आना है और अपना जो भी ग्रामीण क्षेत्र है, यानी कि आपका जो भी ब्लॉक है अपने ग्रामीण का, तो यहाँ से आप अपना ब्लॉक को यहाँ से खोज लेंगे। और आपका जो भी ब्लॉक है यहाँ से आप अपना ब्लॉक के ऊपर में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे आपका जो भी ब्लॉक यहाँ से खोजने के बाद उसके ऊपर में क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं आपको एक क्लिक करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरा ब्लॉक ये एकोला है, ये यहाँ पर आप देख पाएंगे, इसके ऊपर में मैं क्लिक करता हूँ। तो इसके ऊपर में जैसे हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो ग्राम पंचायत है, आपका गांव का ग्राम पंचायत, यहाँ पर आपका देख सकते हैं आपका जो भी ग्राम पंचायत है उसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपका जितने भी ग्राम पंचायत है आपके ब्लॉक के अंतर्गत यहाँ पर सारा शो हो जाएगा। तो आपका जो भी ग्राम पंचायत यहाँ से आप खोज के आपके ग्राम पंचायत के ऊपर में क्लिक करना है। तो जैसे कि मेरा ये ग्राम पंचायत है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। तो इसके ऊपर में जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको दुकानदार का नाम दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, आपका दुकानदार का नाम, यानी कि आप जहाँ से, मतलब कोटेदार का नाम, यानी कि आप जहाँ से राशन उठाते हैं तो उसका नाम यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो उस पंचायत के अंतर्गत यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 दुकानदार है। तो आपका जो भी दुकानदार का नाम है उसका आगे में आप देख सकते हैं कि आपको राशन कार्ड के नीचे में आपको ब्लू कलर का कुछ संख्या दिखाई दे रहा होगा। तो आपको सिंपल सी बात है, इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है, संख्या के ऊपर में आपका जो भी दुकानदार का नाम है उसके ऊपर में आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आपने वहाँ पर दुकानदार के ऊपर में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे आप लोगों के सामने यहाँ पर पूरा लिस्ट खुल के आ जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको यहाँ पर राशन कार्ड संख्या आपको दिखाई देगा इस जगह में, और उसके बाद देख सकते हैं आपको धारक का नाम, यानी कि आप राशन कार्ड धारक जिसका नाम पर राशन कार्ड है, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख जाएगा लिस्ट पूरा, यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद उसका पिताजी का नाम, तो यहाँ पर आप अपना राशन कार्ड, आपका जो भी नाम है यहाँ से आप अपना नाम को खोज लेंगे। और खोजने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो राशन कार्ड संख्या है ये ब्लू कलर का दिख रहा है, तो आपको इसके ऊपर में क्लिक करना है। अगर आपको इसका पूरा डिटेल से जानना चाहते हैं तो आपको इसके ऊपर में क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं ये इसके ऊपर में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे आपको पात्रता सूची का पूर्ण विवरण आपको दिखाई देगा पूरा। यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं कि आपको राशन कार्ड संख्या क्या है, पात्र गृहस्थी, इसके बाद आप देख सकते हैं कि दुकानदार संख्या, नाम क्या है, धारक का नाम है, ये सारा कुछ यहाँ पर आपको दिख जाएगा। और उसके नीचे में आप देख सकते हैं कि आपको सदस्य का पूर्ण विवरण आपको दिखाई देगा, यानी कि दोस्तों आपके राशन कार्ड में आपके परिवार के कितने सदस्य जुड़ा हुआ है, ये सारा कुछ यहाँ पर आपको शो होने लग जाएगा।
और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं धारक से संबंध क्या है, ये स्वयं है यानी कि कार्ड धारक, और उसके नीचे में आप देख सकते हैं उसका पति, इसके बाद ये अगर आपका बेटा और भी होता तो यहाँ पर आपका यहाँ लिस्ट में नाम आ जाता है यहाँ पर सदस्य का पूर्ण विवरण के नीचे। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने गांव की किसी का भी राशन कार्ड के लिस्ट में नाम है कि नहीं पता कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।